पहले तो एक पृष्ठभूमि पर थोड़ी चर्चा करनी होगी कि क्यों समाज आंदोलन आया, क्यों प्राउड आया, इसकी क्या आवश्यकता थी। और जब तक एक पृष्ठभूमि का ज्ञान नहीं हो जाता है, तब तक जो जिस विषय पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसकी प्रासंगिकता भी पूरी तरह से समझ में नहीं आती है। जी तो अब तक हम लोग देख चुके हैं कि अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है। अर्थव्यवस्था का मतलब तो यही है ना कि एक ऐसी अर्थतंत्र की संरचना हो जिसमें सभी को कम से कम पांच जो मिनिमम एसेंशियलिटी जरूरत होती है, निम्नतम आवश्यकताओं की, उसकी पूर्ति सबको होती रहे। जी और जो व्यवस्था या जो अर्थतंत्र इसकी व्यवस्था नहीं कर पाता है, तो फिर उसकी कोई सार्थकता नहीं रह जाती है और फिर उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता है। जितनी जल्दी हो सके उसको फेंक देने में ही भलाई है। जी आपने देखा होगा कि अभी तक इस धरती पर इसी बात को लेकर, अर्थव्यवस्था की संरचना को ही लेकर साम्यवाद आया, उसने जी भी मनुष्य की पीड़ा को शांत नहीं किया बल्कि बढ़ा ही दिया। और उसके बाद हम संक्षेप में ही कुछ कहते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा हम विस्तार में अभी जी जा भी नहीं पाएंगे। जी जी उसके बिल्कुल बाद फिर पूंजीवाद आया। जी पूंजीवाद की जो स्थिति है वह आप जी देख ही रहे हैं। जी और फिर अभी मैंने सुना कि आपके कुछ वक्ता बोल रहे थे कि उद्योगपतियों को आना चाहिए और इंडस्ट्री लगाना चाहिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो आप समझ सकते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था में कोई भी उद्योगपति वही उद्योग लगाता है जहां उसको ज्यादा से ज्यादा मुनाफे की संभावना रहती है। जी इसीलिए इस तरह का काम किसी आवेदन से नहीं हो सकता है कि हम पूंजीपतियों को आवेदन से आवेदन करें, उनसे निवेदन करें और वे हम पर खुश होकर अपने इंडस्ट्री हमारे यहाँ लगाएंगे, तो यह संभव नहीं है। ये सब कुछ ऐसी असंभव बातें और व्यावहारिक बातें हैं जिसको हम लोग आम तौर पर चर्चा में लाते रहते हैं। जी तो अभी आप देखिए कि यह जो आनंद मार्ग का अथवा प्राउड का आंदोलन जो है, यह सारी व्यवस्था को बदलने का आंदोलन है। ऐसा नहीं है कि अब जो समस्या संसार के सामने है, समाज के सामने है, उस पर पैच वर्क से कुछ काम नहीं हो सकता है। अब फटे कपड़े की थोड़ी सी सिलाई कर देने से जब बहुत छोटा फटा रहता है तो काम चल जाता है, लेकिन अब कपड़ा ऐसा हो गया है कि सिलाई करने की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। इसीलिए अभी मानवता को एक नई व्यवस्था चाहिए, एक नया विकल्प चाहिए। पूंजीवाद जो है उसके विषय में बहुत ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है और आप सब लोग जानते हैं कि उसने किस तरह से मनुष्य के जीवन में विषमता पैदा की, किस तरह से कर रहा है। और आज तो हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक जीवन में जो इतना पतन हुआ है उसका पूरी तरह से यदि जिम्मेदार ठहराया जाए तो वह पूंजीवाद ही है। आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, प्रतिभाओं को उभरने पर एक विराम लग गया है। प्रतिभाएं जो सही दिशा में जा सकती थी वह गलत दिशा में जाने लगी। और संजोग से इस पूंजीवादी व्यवस्था में जो राजनीतिक नेतृत्व है हमारा, आप राज्यों में देख लीजिए, वह इतना बौना है कि जो हमारी औसत मानसिक चेतना जनता की है उससे भी कम उसकी मानसिक चेतना है।
तो भला आप बताइए कि एक बहुत ही कम मानसिक क्षमता का नेता अपनी प्रजा को किस तरह से प्रेरित कर सकता है। एक जमाना था, आप लोगों ने इतिहास में पढ़ा भी होगा, कि गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया और सारा भारत उनके पीछे लग गया। तो गांधी का जो नेतृत्व था वो इतना व्यापक था, इतना विशाल था कि जनता उनके एक आह्वान पर उनके पीछे चल पड़ी। अब यदि आप उसी हिसाब से आज का नेतृत्व देखिए तो क्या आज का नेतृत्व आपको सफल दिख रहा है? किसी भी तरह वह जनता को इंस्पायर कर रही है या कर सकती है? तो जिसकी मानसिक क्षमता औसत सामूहिक मानसिकता से ज्यादा हो, वरना नेतृत्व का समाज पर असर नहीं होता है और समाज पतन की ओर जाने पर विवश हो जाता है। और इसके साथ ही आप देखिए कि दोहरे चरित्र वाले बुद्धिजीवियों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ गई है आज भारत में, और जिसने शैक्षणिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का इस तरह से विघटन कर दिया है कि अब भारत का नाम लीजिए, आध्यात्मिकता का नाम लीजिए, तो उनको मिर्ची लग जाती है। जबकि आध्यात्मिकता ही हमारे जीवन का मूल है, हमारे जीवन का प्राण है, और वास्तव में आध्यात्मिकता कोई बाहरी अलंकरण नहीं है कि हम जब बाहर निकले तो किसी अलंकार की तरह उसको देह पर ओढ़ लें। अरे यह तो हमारी चेतना है, हमारा प्राण है कि हम अनंत की ओर बढ़ना चाहते हैं और हमारा सब काम उसी अनंत की ओर बढ़ने के लिए ही हो रहा है जी। इसीलिए इस अनंत की तरफ बढ़ने की एक जो मानसिक आकृति है, इसको एक व्यापक प्रसार चाहिए, इसको व्यापक स्पेस चाहिए, और उस स्पेस को हमने रोक दिया है। हमारे सामने स्पेस नहीं है, हमारे सामने स्पेस नहीं है, तो हमारे सामने जो सीमित पृथ्वी या अथवा जो भौतिक पदार्थ है, जो पृथ्वी की क्षमता है, उस सीमित क्षमता पर ही यह असीमित भूख जो है वह झपट पड़ी है। तो आप भला हमको बतलाइए कि जहां आपकी असीम भूख है और पृथ्वी की संपत्ति बहुत छोटी है, सीमित है, तो ऐसे असीम भूख को यदि स्पर्धा का सामना करना पड़े तो क्या उससे लोगों की पीड़ा नहीं बढ़ेगी? उससे वंचित लोग नहीं होंगे? क्योंकि जो जिसकी लाठी उसकी भैंस की कहावत तो आप जानते ही हैं, तो जिसको बल है, जिसको बुद्धि है, वह पदार्थों का संग्रह करेगा, और जिसके पास न बल है न बुद्धि है वह बेचारा मरता रहेगा। इसीलिए समाज को एक ऐसी व्यवस्था चाहिए जिसमें मनुष्य होने के नाते ही नहीं, बल्कि आपके सामने या आपके आसपास जो वनस्पति जगत है, जो पशु जगत है, वह भी हमारे अस्तित्व के लिए उतना ही आवश्यक है। हम किसी एक की उपेक्षा नहीं कर सकते हैं जी जी। और आज उसका परिणाम देख रहे हैं कि पर्यावरण की उपेक्षा के कारण आज हमारे जीवन पर क्या बीत रहा है। तो इसीलिए एक समर्पित दर्शन की आवश्यकता थी। हमने कम्युनिज्म को भी देखा, हमने पूंजीवाद को भी देखा, देख रहे हैं, हमने रूढ़ी के आधार पर जो एक दर्शन आया जिसको मजहबी दर्शन कह सकते हैं, जिसका आतंक हम अभी भोग रहे हैं, चल ही रहा होगा वो तो चल रहा है। तो अब एक ऐसे दर्शन की आवश्यकता है जिसमें इस तरह की कोई भी बाधा नहीं हो, और वह दर्शन मनुष्य की जो एक असीम की ओर जाने की चेतना है, जो उसकी अभिक्षा है, जो उसकी इच्छा है,
उसकी ओर बढ़ने का एक सुगम मार्ग दे, और इस सुगम मार्ग में आने वाली जितनी बाधाएं हैं उन बाधाओं को समाप्त करे। तो आनंद मार्ग और प्राउट एक ऐसा ही दर्शन है जिसने इन बाधाओं को हटाने के लिए संपूर्ण मानव जाति का आह्वान किया है। जी दादा, बहुत बढ़िया आपने पूरा भूमिका बनाया। तो इस आलोक में थोड़ा सा समाज आंदोलन वगैरह के बारे में भी थोड़ा सा ज्ञान दीजिए हम लोग। तो खास करके समाज के बारे में आपका जो बाबा से क्या वार्तालाप हुआ, किस तरह से क्या चाहते थे बाबा, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ, तो इसी में हम जो प्राउट में समाज आंदोलन की धारणा जो है, प्राउट में समाज आंदोलन की धारणा इसी बात को लेकर है कि हमारे यहाँ जितने भी समाज 45 समाज अभी इंडिया में है हमारे सामने, और ये सारे समाज हमारी जो एक प्राकृतिक इकाई परंपरा से है। अब जैसे अंग का आप नाम लेते हैं, अंगिका समाज की बात लीजिए, तो आप देखिए कि यह अंग संस्कृति जो है क्या आज तक नष्ट हुई है? आज तक अंगिका भाषा जो है नष्ट हुई है? आज तक के अंग जो है, अंग भले ही वो इतिहास की परतों में छिप गया हो, बहुत लोग शायद अंग का नाम भूल भी गए हैं, लेकिन आज भी यह वास्तविकता है कि अंग भी है, मिथिला भी है, मगध भी है, भोजपुर भी है, कुरु है, पंचाल है, विदर्भ है, सब है अपनी अपनी जगह पर। जो भारत की प्राकृतिक इकाई रही है वह सब अपने अपने जगह पर स्थिर है। अब प्राउट का जो एक समाज आंदोलन है उसका यह मानना है कि क्यों नहीं हम इन प्राकृतिक इकाई को एक आत्मनिर्भर आर्थिक इकाई के रूप में बदल दें। आप इस बात को भली भांति जानते हैं, या इसको मेरा ख्याल है कि सबको अनुभव है या होना चाहिए, कि आदमी परिश्रम उसके लिए करता है जब उसको लगता है कि ना यह मेरे लिए हो रहा है, और जिस चीज से आपका वास्ता नहीं रहता है उसके प्रति आपकी दृष्टि उपेक्षा पूर्ण हो जाती है। जी, तो जब समाज आंदोलन के रूप में आप किसी समाज में अर्थतंत्र को विकसित करने की योजना बनाते हैं, उसे चलाते हैं, और लोगों को यह एहसास होता है कि नहीं यह हमारे लिए है, हमारी संस्कृति के लिए है, हमारी आर्थिक उन्नति के लिए है, और आप लोगों को उसमें साझेदार बनाते हैं, तब आपका आपको लोगों का सहयोग मिल जाता है, और जब लोगों का सहयोग मिलता है तो वह काम जो है बड़ा आसान हो जाता है, बड़ा सहज हो जाता है, बड़ा सरल हो जाता है। तो पहली बात जो समाज आंदोलन का है कि हम अपनी जो प्राकृतिक हमारी इकाई है, सांस्कृतिक और भाषाई इकाई, उसको हम आर्थिक इकाई में बदले। और अंगिका का तो बड़ा ही पुराना इतिहास रहा है, और भले ही इतिहास के परत में अंगिका आज नाम लोग बहुत लोग भूल भी गए होंगे, लेकिन अब तो नाम बड़ी तेजी से उभर रहा है, लोग जान रहे हैं और लोग अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक भी हो रहे हैं। तो यह हमारा अंग देश जो है, जो अंग क्षेत्र है, यह इतना समृद्ध हो सकता है कि हम अभी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। अंग तो समृद्ध था, आप जानते हैं कि जब राजा कर्ण थे तो सभा मन में सोना रोज दान करते थे, कहां से आता था सोना? चंपा जो अंग की राजधानी थी जी, वह इतना उन्नत था, इतना विकसित था कि उसको महाजनपद कहा जाता था, जिसको आज आप लोग मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, जो इस तरह का वो चंपा था। और चंपा के सौदागरों ने,
बाली में अपना एक कॉलोनी बनाया था, आज भी चंपा अच्छा। के नाम से बाली के समीप वो स्थान जाना जाता है। अच्छा, तो आप समझ सकते हैं कि चंपा अथवा अंग कितना समृद्ध था, और गुरुदेव के समय में भी तो वह इतना समृद्ध था कि वहां जो दान देने वाले थे बुद्ध संघ में एक से एक लोग थे। अच्छा, लेकिन आज हमारी स्थिति बहुत बदल गई, आज हम भिखारी हो गए हैं, आज हम अन्न को तरस रहे हैं। आपने देखा कि अभी कोरोना के समय भाग भाग के सड़कों पर जब घर की ओर लोग चल रहे थे, कैसा वो विवशता भरा दृश्य था, कैसा दयनीय दृश्य था। थोड़ा सा दादा आपके भाषा के बारे में भी बताइए थोड़ा। हाँ, तो जहां भाषा की अंगिका भाषा जो है, अंगिका भाषा एक संपूर्ण भाषा है। जी। मागधी भाषा की दो शाखा हुई, एक पश्चिमी अर्धमागधी और एक पूर्वी अर्धमागधी। तो पूर्वी अर्धमागधी की पांच बेटी हुई, अंगिका, मैथिली, बंगला, असमिया और उड़िया। ये पांच बेटी हुई पूर्वी अर्धमागधी की, और पश्चिमी अर्धमागधी की भोजपुरी, मगही, नगपुरिया, छत्तीसगढ़ी, ये सब जो है ये पश्चिमी अर्धमागधी की भाषा हुई। तो पूर्वी अर्धमागधी की जो अंगिका, बंगला, मिथिला ये है, इसका जो क्रियापद है, इसका जो कारक है, आप देखिएगा उच्चारण के कारण थोड़ी इसमें समझने में दिक्कत होती है, लेकिन यदि इसको थोड़ा सा आप विलंबित करके बोलेंगे तो बहुत कम अंतर है। कि अंगिका अच्छा। में जैसे हम बोलते हैं कि हमें खाए थे, बंगला में उसी को बोलते हैं आमी खाए थे, हम मैथिली में हम खाए थे, तो अंतर बहुत कम आपको मालूम पड़ेगा, बहुत कम। लेकिन चूंकि उच्चारण में वो कई कारणों से थोड़ा सा भेद है, इसलिए हम लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं कि नहीं वो जटिल है, वो बिल्कुल दूसरी भाषा है, हमसे भिन्न है, बल्कि ये चारों सगी बहन है। और आप देखिए कि एक सगी बहन बंगला कितना आगे बढ़ा कि उसको साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिल गया। किनको? अच्छा, हाँ, साहित्य में रविंद्रनाथ को नोबेल पुरस्कार मिला उस बंगला भाषा को, और अंगिका भाषा उसकी सगी बहन, हम लोग बोलने में लाज महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, तो कैसे भाषा का विकास होगा? भाषा का विकास तब होता है जब लोग उसको व्यवहार में लाते हैं, और जब हम व्यवहार में नहीं लाएंगे भाषा को, हम अपनी सांस्कृतिक पतन के कारण हम अपने ही माँ को कहेंगे कि वह घर की दासी है। यह हमारा सांस्कृतिक पतन है कि अपनी माँ को हम घर की दासी कह रहे हैं। जी जी। तो जब तक यह सांस्कृतिक पुनर्जागरण नहीं होगा, सांस्कृतिक चेतना से सराबोर जब तक हम नहीं होंगे, तब तक विकास की संभावना कैसे होगी? जी। इसीलिए अंग चेतना को जागृत करने की जरूरत है। अंग का जो गौरव है उसको फिर से हम लोगों को फील करना होगा, अनुभव करना होगा। जब तक हम इसको फील नहीं करेंगे, तब तक हमारी सांस्कृतिक चेतना उभरेगी नहीं। और अभी भी मैं दावा करता हूं कि जिस दिन अंग की यह सांस्कृतिक चेतना उभर जाएगी, उस दिन अंग संसार का एक ऐसा मुकुट हो जाएगा जिसकी चर्चा, जिसकी वंदना, जिसकी प्रशंसा सारे विश्व में होगी। जी, इस सांस्कृतिक चेतना को जगाने की जरूरत है। और एक बात मैं बता दूं कि जनसंख्या कभी भी बोझ नहीं होती है।
आज जितना रिसोर्सेस हमारे अंग्रेज में है, यदि उन रिसोर्सेस का ठीक ठीक उपयोग किया जाए, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि हमारी जनसंख्या एक अच्छा जीवन नहीं जी सकती। लेकिन वही सबसे ले दे के आ जाता है कि हमारा नेतृत्व, जब तक हमारे नेतृत्व में प्रेरित करने की क्षमता नहीं होगी तो लोग जुड़ेंगे कैसे? लोगों को जोड़ना है, अर्थतंत्र से प्रत्येक व्यक्ति को जोड़ना है, और जब तक अर्थतंत्र से प्रत्येक व्यक्ति जुड़ेगा नहीं, तब तक कैसे विकास होगा? संभावना तो बहुत है, केवल संभावना की बात हम लोग करके क्या कर लेंगे? सबसे बड़ी बात है कि उस संभावना के प्रति लोगों को जागृत करें, और जो अर्थतंत्र हम स्थापित करना चाहते हैं उससे लोगों को जोड़ें, उसमें भरोसा हो लोगों का कि नहीं, यह व्यवस्था हमारे लिए उपयोगी है, हमारे लिए लाभप्रद है, और एकमात्र यही व्यवस्था है जो हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी कर सकता है। तो इससे जो प्राउड का एक अर्थतंत्र है, प्राउड का जो एक आर्थिक दर्शन है, उसको प्रचारित करने की जरूरत है। और प्राउड में आपने देखा कि अभी आपके कुछ वक्ता बोल रहे थे कि हम किस तरह से इसको कार्यान्वित करें, तो मैं आपको कहता हूँ कि अंग जो है वह तो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, और यदि एग्रीको और एग्रो इंडस्ट्री को ही विकसित किया जाए तो हमारे यहाँ काम करने के लिए लोग नहीं मिलेंगे, हमको बाहर से लोग मंगाने पड़ेंगे। यदि अंग क्षेत्र में केवल एग्रो इंडस्ट्री और एग्रीको इंडस्ट्री की स्थापना हो जाए, और हर फसल को, जैसा आपके एक वक्ता भी बोल रहे थे, उसका अधिकतम उपयोग हम करने लग जाएं, तो हमारे यहाँ लोगों की कमी पड़ जाए। तो सवाल है इसको करने के लिए, और इसके लिए जब तक एक नेतृत्व में बड़ा परिवर्तन नहीं होता है, तब तक वो संभव नहीं हो पाएगा, चाहे हम लोग कितना भी कुछ करके। जी सर, जी।